प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम रही पश्चिम बंग को यह द्वितीय गस्त यही बर्षर एवं 4700 कोटी जो प्रकल्प रही तीनोटो लोकार्पण करेंगे गोटे शुभ देवे मु पूरा विस्तृत भाव से प्रकल्प संपर्क में कहबी किंतु ता पूर्व प्रधानमंत्री का गस्त को नहीं के उत्साहित बीजेपी कर्मी एवं क्या के उत्साहित चित्र कौन रही माहौल केमती रही चित्र देखा चाहेबी मो सहयोगी हेमंत अच्छा से आप पूरा सहर चित्र देखेंगे आप देखुं ये हूँ हलदिया सहर चित्र मोदीमय होती सबुआ जो आप देखिए बीजेपी पता मोदी पोस्टर लगे जदि यह सरकारी कार्यक्रम 4700 कोटी प्रकल्प कार्यक्रम शुभ देवे मोदी किंतु आप चित्र देखु जो स्थान में हलदिया जो स्थान में मोदी आसी पहुँचे दिन 4:50 से स्थान बर्तमान मोदीमय हो सबुआ बीजेपी पोस्टर लगी गेरुआ रंग पलटे पूरा सहर हलदिया सहर और द्वितीय कथ हूँ जहाँ शक्ति आप कहते जे ये हूँ मिशन पूर्वोदय प्रकल्प अंश स्वरूप प्रधानमंत्री चाहूँगी जे जमती पश्चिम भारत विकास होमती पूर्व भारत विकास होदि सम सामग्रिक विकास हो तब संतुलित रड़ कथ हो आज जो 4700 कोटी प्रकल्प रही से सबुठ बड़ प्रकल्प हूँ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना जो थे पखापाखि 2400 कोटी टाँग खर्च हो धोबी पाखर बिहार धोबी पाखु दुर्गापुर पर्यंत पाइपलाइन बिछा जाइर जहाँ कहुच 348 किलोमीटर कभर कर दुईटी बड़ फर्टिलाइजर प्लांट्स जहाँ झारखंड सिंदरी और दुर्गापुर पश्चिमबंगर जो दुईट बंद अवस्था को चली आईटर मध्य पुनरुद्धार हम यही प्रकल्प द्वारा और द्वितीय बड़ प्रकल्प हूँ LPG इंपोर्ट टर्मिनाल जहाँ 1100 कोटी टकर प्रकल्प और जो LPG आवश्यकता रही केवल पश्चिमबंग नुहे पूरा पूर्व भारत LPG आवश्यकता को टर्मिनाल पूरण कर शुभ देवे प्रधानमंत्री एवं जहाँ कार्यक्रम रही कहती जे दिन 4:50 सुधा से ये पहुँचे जो LPG इंपोर्ट टर्मिनाल कथा जहाँ केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री तथ्य दौले जे 8 कोटी उज्ज्वला संजोग वर्तमान सुधा हो पश्चिमबंगर संजोग जहाँ जब आप तथ्य पर नजर पकेबे 2014 सुधा मात्र 41% थी एवं कितना 99% होती LPG संजोग तो जो आवश्यकता रही से आवश्यकता को LPG इंपोर्ट टर्मिनाल पूरण कर सेमती आउ जो कार्यक्रम अंशस्वरूप रही आप देखिए निहाती भाव में 4 प्रकल्प रही चारोटी प्रकल्प भितर 4700 कोटी प्रकल्प रही एक लुब्रिकेंट प्लांट शिलान्यास करेंगे हलदिया जहाँ IOCL प्रकल्प रही आउ एक NH प्रकल्प रही जहाँ 190 कोटी प्रकल्प ताकू शुभारंभ करेंगे ये चारोटी बड़ प्रकल्प रही पूर्व आम देखु विगत 2-3 दिन हम पश्चिमबंगर विभिन्न स्थान में राजनैतिक माहौल सरगरम हो शक्तिशाली जदिओ निर्वाचन तारीख घोषणा होना किंतु जेहेतु गत काली बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष आसीथिले एवं परिवर्तन रथयात्रा आरंभ करथिले नवदीप्रु से सबुआड़े जदि आप देखिए पूरा पश्चिमबंगे राजनैतिक महल सरगरम हो गोटे पटे मुख्य प्रतिद्वंदी TMC रही अंपटे बीजेपी रही आर पार लड़े और 2019 तुलन वर्तमान स्थिति या जे 2016-2019 वर्तमान धीरे धीरे बीजेपी तार काया मेलाई चली 2016 विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी भोट प्रतिशत मात्र 4% थी कि 2019 लोकसभा इलेक्शन आप देखिए से ही 4% बढ़िक 40% पहुँची और TMC को टक्कर दवा स्थित को बीजेपी आसी तेणु कहुच्ची जे ये जो गोटे पटे तो विकास कार्यक्रम जारी रनपटे राजनीतिक कार्यक्रम जो रही अमित शाह कार्यक्रम रही आसंता सप्ताह से मैं पश्चिमबंग आसीपारती जो रथयात्रा परिवर्तन रथयात्रा आरंभ हो से परिवर्तन नारा रे से सामिल हो पारती शक्तिशाली शांति भूषण जो भाव में आप लगातार किसी दिन धरिकी गत 2-3 दिन धरिकी आप पश्चिमबंगे अच्छा सेठाकार विभिन्न अंचल को गस्त कर खासकर हलदिया कथा जदि देखा एवं एटी जो भाव में प्रधानमंत्री आसुच्चे बड़ प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे जहाँकि ना केवल पश्चिमबंगे विकास धारा को त्वरान्वित कर केन्द्र सरकार बहुत बड़ उपहार कह जापर एवं रोजगार सुजोग व्यापक सृष्टि हे तो आप राजनीतिक माहौल कथा कहते बीजेपी कर्मी बा बीजेपी समर्थक निश्चित रूपे उत्साहित हवा स्वाभाविक कथा किंतु स्थानीय लोके प्रधानमंत्री ए गस्त एवं केन्द्र सरकार एते बड़ प्रकल्प पश्चिमबंग आणुंती एकु नहीं कि स्थानीय लोकों भितर केते उत्साह केते समर्थन आपण देखुछंती देखो निश्चित भाव में आम 3 दिन हम पश्चिमबंगर विभिन्न स्थान गस्त करूँ से जो स्थान में उड़िया अधिक अच्छा विशेषकर खिदिरपुर कथा कहतु दुर्गापुर कथा कहतु हलदिया कथा कहतु सबू स्थान लोकों मनरे जहाँ रही राजनीति को तो नहीं अनेक
लोक कथा अनेक कथा कहते कि विकास कथा जब आप देखिए जो मिशन पूर्वोदय कथा जब देखिए जेहेतु 4700 कोटी प्रकल्प आसुची पश्चिम बंग को निश्चित समस्त उत्साहित अच्छा ये प्रकल्प को लेकिन सबुठ बड़ प्रकल्प जहाँ मुझे कहली प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना जो थे पश्चिमबंग प्रथम थर पर ये जो प्राकृतिक गैस पाइप जोगे आसूँ लोकों घरे पहुँच लोकों घरे पहुँचे ये जो कह स्वच्छ शस्तार स्वच्छ ईंधन जितेबाला पेट्रोलियम मंत्री सांबादिक सम्मेलन सूचना दौले वर्तमान जहाँ स्थिति जे दुर्गापुर पर्यंत पाइपलाइन आसी ये केवल पश्चिम बंग ए उपकृत हेनी ये मिशन पूर्वोदय प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगे ओडिशा उपकृत हो 2021 सुधा ये पाइपलाइन पारादीप धामरा पर्यंत तीनोटी दिगरे ये पाइपलाइन ओडिशा जहाँ सूचना दौले केन्द्रमंत्री जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा दे झारखंड जीव और आ गोटे रूट्रे से बलांगीर एवं छत्तीसगढ़ देखि बॉम्बे जीव तो निश्चित भाव में ये जो प्रकल्प प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रकल्प एथिरे पूरा पूर्व भारत उपकृत हेब पश्चिमबंगर सिंहभाग रही ओडिशा उपकृत हेब ए द्वितीय कथा जो आप पचारुले लोकों भितर जो उत्साह रही निश्चित भाव में लोकों भितर उत्साह रही सहित जो प्रतिद्वंदी दल टीएमसी रही आर पार लड़ई जेहेतु हो राजनैतिक हिंसा बढ़ुची आप देखुए विगत दिन में गत काली जेपी नड्डा अभियोग करुते 300 लोक बीजेपी कर्मी आक्रमण हो 130 कर्मी निहत होती जीवन देखते राजनैतिक हिंसा तो निश्चित भाव में अन्य राज्य तुलन में पश्चिमबंगे जदिव निर्वाचन तारीख घोषणा होने कि प्रतिदिन लोक कहते हैं प्रतिदिन निर्वाचन माहौल रही निर्वाचन तारीख घोषणा होवार आवश्यकता ना कि लोकों भितर जो उत्साह रही प्रधानमंत्री गस्त को नहीं से उत्साह दुई दिन हम आम देखु निर्दिष्ट भाव में ये हलदिया से हलदिया में गत काल आम देखीलु बीजेपी कर्मी तो उत्साहित थे सहित साधारण लोक उत्साहित थे सहर सारा आप देखु चित्र मुझे सहर पूरा चित्र आप देखिए जो स्थान में मोदी आसी पहुँचे सी तो हूँ ये स्थान किंतु पूरा सहर चित्र आपको देखा कैमरा मध्यम देखो सबुआड़े बीजेपी पताका लगी सहित निश्चित भाव लोकों भितर उत्साह रही जो कथा मुझे कहती खिदिरपुर दुर्गापुर दुर्गापुर हलदिया और विभिन्न स्थान में जो मैंने ओडिया अच्छा जेहेतु से संख्या कम थे से मन उत्साह रही से जो आवश्यकता रही समस्या रही चाहते जनप्रतिनिधि से समस्या को पूरण करते भूषण निश्चित रूप उत्साह समस्त भितर बीजेपी कर्मी हूँ बा साधारण जनता प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकिन एत बड़ प्रकल्प आज पश्चिमबंग जनता आज लोकार्पण हो तो निश्चित रूप उत्साह रहा स्वाभाविक कथा शांतिभूषण शेषे जानकु चाहिए जे आज ये सरकारी कार्यक्रम एवं परंपरा अनुजाई मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में सामिल रहा कथा तो ममता बानर्जी सामिल होती ना ना द्वितीय कथा आम जमी देखी जितेबाला जनवरी 23 तारीख में नेताजी जयंती अवसर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंग को आसते विक्टोरिया मेमोरियल कार्यक्रम में ममता बानर्जी भाषण देले ना गोटे पद कही पलै आसिले मंचर तो से घटना पर आज कार्यक्रम में पश्चिम बंग मुख्यमंत्री सामिल हे ना ना देखो मुख्यमंत्री को सामिल नहीं कार्यक्रम रे वर्तमान सुधा सविशेष सूचना ना कि जो कथा आप पचारुले जे मुख्यमंत्री अच्छा ममता बनर्जी से जो सभा कथा आप पचारुले निश्चित भाव में जय श्रीराम शब्द को लेकिन आपत्ति अच्छी से अनेक समय मुहांमुही होती बीजेपी और टीएमसी कर्मी और जो हिंसा बढ़ुची जितेबाला बीजेपी कर्मी जय श्रीराम वंदे मातरम कथा कहते भारत माता की जय कथा कहते सेतेबाले टीएमसी कर्मी आपत्ति करते मुख्यमंत्री आपत्ति करते से हिंसा बढ़ुची जो कथा आप कहते विक्टोरियल मेमोरियल कथा से होतापर परवर्त समय स्मृति ईरानी आसी अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे उद्बोधन करुते जितेबाला से टारगेट करते जे माँ माटी मानुषर कथा को जो नारा दे कि ममता बानर्जी क्षमता को आसते 10 वर्ष तले किंतु से नारा एबे सफल होना एवं गत काली जेपी नड्डा टारगेट करते ममता बानर्जी को से प्रसंग को लेकिन टारगेट करते माँ माटी मानुष इन समस्ते अवहेलित होती पश्चिमबंगे दिल्ली सरकार रे तो निश्चित भाव में आर पार जो लड़े मुझे तथ्य आपको दौली जे 2016 और 2016 विधानसभा निर्वाचन 2019 लोकसभा निर्वाचन एथेरे आकाश पातल फरक रही बीजेपी तार काय मेले चली भोट परसेंट बढ़ुची से हिंसा बढ़ुची जेहेतु बीजेपी पूरा सामना सामनी हो प्रतिद्वंदी भाव में उभा हो तो ये गोटे कथा और द्वितीय कथा जो प्रकल्प कथा
सहित निश्चित भाव में विकासमूलक प्रकल्प रोक से विकासमूलक कार्यर अंशस्वरूप शस्तार स्वच्छ ईंधन पश्चिमबंग लोक मिल जहाँ मुझे जो पाखापाखि 2014 मसीह 41% थी एलपीजी संयोग बर्तमान सुधा 99% पहुँचला से पूर्व भारत आवश्यकता को आखि आगे रखि एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनाल जहाँ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल करुच्छे अन्य एक तथ्य हूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो प्रकल्प करुच्छे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना से पूरा 2400 कोटी टंका खर्च होकल्पी।